दोस्तों, अगर आपको भी योनो में रजिस्ट्रेशन करते समय या फिर लॉगिन करते समय ओटीपी का प्रॉब्लम हो रहा है तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे कि प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, होने का कारण क्यों है और इसका सलूशन क्या है, क्योंकि हमारा भी ये प्रॉब्लम ओटीपी का हो रहा था जिसका सलूशन मैं ढूंढ लिया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको ओटीपी का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में समझते हैं कि ओटीपी का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, लॉगिन करते समय या फिर रजिस्ट्रेशन करते समय ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है, या किसी और प्रकार का योनो में रजिस्ट्रेशन करते समय या लॉगिन करते समय एरर आ रहा है तो इसका सलूशन क्या है। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले योनो को आपको लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड करना है। अगर आपने पहले से इसका इंस्टॉल करके रखा है तो आपको यहाँ पर जो कि से अपडेट का मैसेज आएगा तो इसको जो कि सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में अपडेट कर लेना है और अपडेट करने के बाद योनो को आपको ओपन करना है। जो भी परमिशन यहाँ पर अलाउ करने का ऑप्शन दे रहा है सारे परमिशन को अलाउ करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट केस जो कि यहाँ पर पहले से अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पर एक्सिस्टिंग SBI कस्टमर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू टू SBI पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट करके आप यहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिस पर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको यहां पर जो कि रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद यहाँ पर एक्सिस्टिंग SBI कस्टमर पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर माइक का परमिशन अलाउ करना है। उसके बाद यहाँ से अगर आपके मोबाइल में दो सिम होगा तो आपको का जो नंबर बैंक में रजिस्टर होगा उसी सिम को यहाँ पर सेलेक्ट होना चाहिए, साथ ही यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज होना चाहिए। नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, मैसेज को यहाँ पर परमिशन जो कि अलाउ करना है। तो फाइनली यहाँ पर जो कि मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया है, प्रोसेस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना यूजर नेम फिलअप कर देना है, नीचे में आपको अपना पासवर्ड फिलअप करना है और इसके नीचे रेफरेंस कोड है जो कि ऑप्शनल, इसे आपको ब्लैंक छोड़ देना है। यूजर नेम पासवर्ड फिलअप करने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना है। यूजर नेम पासवर्ड फिलअप करके सबमिट करते ही यहाँ पर जो कि देख पा रहे यहाँ पर मैसेज जो कि भेजा गया है, लेकिन हमारा अभी तक मैसेज जो कि रिसीव नहीं हो रहा है। इस प्रकार से काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है कि योनो में जब कभी लॉग इन करते हैं तो यहाँ पर OTP रिसीव नहीं हो रहा है। तो आइए इसका आप सोल्यूशन समझ लेते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसके लिए तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में चले जाना है और ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है ऑनलाइन SBI। जैसे ही टाइप करके सर्च करिएगा तो फर्स्ट वेबसाइट जो कि देख पा रहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है और इसके नीचे पर्सनल बैंकिंग के नीचे लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके आगे कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम पासवर्ड फिलअप करना है, जो योनो में आप फिलअप किए थे उसी प्रोसेस को यहाँ पर आगे कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम फिलअप कर देना है, नीचे में आपको अपना पासवर्ड फिलअप करना है। इसके नीचे ये कैप्चा कोड दिए गए, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिलअप करना है और लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो कि देख पा रहे OTP का प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड जो कि इनवैलिड बताया जा रहा है। तो इसके आगे क्या प्रोसेस करना है, अगर आपको यहाँ पर पासवर्ड सही भी लगता है तो इसके आगे क्या करना है, यहाँ पर नीचे इंस्टॉल करके आना है। उसके बाद यहाँ पर जो कि देख पा रहे फॉरगेट यूजर नेम लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से सबसे पहले तो आपको अपना पासवर्ड को फॉरगेट करना है। अगर आपका पासवर्ड लगता है कि हमारा पासवर्ड सही है फिर भी आपको पासवर्ड को फॉरगेट करना है, यहाँ से आप अपना लॉगिन पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, यूजर नेम भी आप फॉरगेट कर सकते हैं। तो अगर आपका यहाँ पर यूजर नेम भी अगर आप भूल गए तो यहाँ से यूजर नेम भी फॉरगेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो कि लॉगिन पासवर्ड को फॉरगेट करेंगे, इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स फिलअप करना है, जैसे कि फर्स्ट में आपको अपना यूजर नेम, नीचे में आपको अपना अकाउंट नंबर, इसके बाद यहाँ से आपको अपना कंट्री जो कि सेलेक्ट करना है, इसके नीचे बैंक में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस नंबर को यहाँ पर आपको फिलअप करना है, इसके नीचे डेट ऑफ बर्थ आपको अपना फिलअप कर देना है, ये कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। सारा डिटेल्स फिलअप करने के बाद फाइनली सबमिट पर आपको क्लिक करना है। सबमिट करते हैं, यहाँ पर जो कि देख पा रहे हैं आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया गया है, जो कि यहाँ पर फाइनली आपके मोबाइल नंबर पर OTP जरूर रिसीव होगा। जैसे कि हमारा देख पा रहे हैं OTP आ गया है, OTP को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको अपना OTP को फिलअप करना है, उसके बाद कन्फर्म पर आपको क्लिक करना है। OTP फिलअप करते हैं, यहाँ पर जो कि पासवर्ड को फॉरगेट करते समय आपको तीन ऑप्शन दिखाया जा रहा है। फर्स्ट केस आप अपना ATM कार्ड का डिटेल्स फिलअप करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट करके आप अपना नेट बैंकिंग का पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन ATM कार्ड डिटेल्स आपको चूज करना है। सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर कुछ लंबा प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड फिलअप करके आप अपना नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपको अपना ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन ही चूज करना है, सबमिट पर आपको क्लिक करना है। इसके आगे आपको अपने ATM कार्ड का एक्सपायरी डेट यहाँ से सेलेक्ट करना है, एक्सपायरी डेट में आपको अपना मंथ और इसके आगे ईयर जो कि सेलेक्ट कर लेना है।
इसके नीचे आपको अपना कार्ड होल्डर नेम, तो आपको अपना फुल नेम यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके नीचे आपको अपना एटीएम का पिन यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड दे गए, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर आपको फिलअप करना है और प्रोसेस पर आपको क्लिक कर देना है। तो फाइनली यहाँ पर जो कि आपका इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कि नया पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन है गाइस, जिसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो कि फर्स्ट केस जो कि देख पा रहे हैं, लिखा गया है इंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड, नीचे में यहाँ पर कन्फर्म न्यू पासवर्ड का ऑप्शन है। तो यहाँ से आपको अपना लॉगिन पासवर्ड एक नया क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड कुछ इस प्रकार का होना चाहिए जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पासवर्ड में कुछ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कुछ स्पेशल करेक्टर और कुछ डिजिट होना चाहिए। पासवर्ड को यहाँ पर आपको फिलअप करना है, उसी पासवर्ड को दोबारा से आपको कन्फर्म करना है नीचे में। उसके बाद फाइनली यहाँ पर सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो फाइनली यहाँ पर जो कि देख पा रहे हैं, लॉगिन पासवर्ड आपका फॉरगेट हो गया है सक्सेसफुली, के यहाँ पर मैसेज भी आ गया है, योर लॉगिन पासवर्ड हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली। अब यहाँ पर जो कि योनो को आपको नया वाला पासवर्ड से लॉगिन करना है, तो दोबारा से यहाँ पर आपको अपना योनो को लॉगिन करना है। उसके बाद यहाँ पर एक्सटिंग SBI कस्टमर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको सिम सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, जो कि सक्सेसफुली हो गया है। प्रोसेस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम, नया वाला जो पासवर्ड आप क्रिएट किए हैं उसी पासवर्ड को यहाँ पर आपको फिलअप करना है और सबमिट पर आपको क्लिक करना है। सो फाइनली यहाँ पर जो कि देख पाए कि आपका OTP यहाँ पर रिसीव हो गया है। OTP को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है और OTP फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंसेंट दिया गया है, इसको आपको रीड करना है, नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर आपको MPIN क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है, इसके लिए यहाँ पर आपको रीड करने का ऑप्शन आ रहा है, नीचे स्क्रॉल करके आना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेट MPIN का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से 6 डिजिट का आपको एक MPIN क्रिएट कर लेना है। जब कभी भी योनो में लॉगिन करिएगा तो इसी MPIN का ज़रूरत पड़ेगा, इसके लिए आपको MPIN यहाँ पर न्यू क्रिएट करना है, नीचे में उसी MPIN को कन्फर्म करना है और MPIN फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे कंग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, ओके पर आपको क्लिक करना है। तो फाइनली यहाँ पर जो कि देख पा रहे आप योनो में लॉगिन हो गए हैं। और फाइनली यहाँ पर जो कि देख पाए कि आप योनो में कैसे लॉगिन कर पाए। इस प्रकार से अगर किसी और का भी योनो में प्रॉब्लम रहा है तो आपको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो से आपको नॉलेज मिला होगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।